नमस्कार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में आप सभी का स्वागत है। जन चेतना व्याख्यान की श्रृंखला में हमारी आज की कड़ी है स्वाइन फ्लू, उसके लक्षण, उपचार, निदान और उससे बचाव के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। हमारे आज के हमारे तीन वक्ता हैं डॉक्टर नवीन दत्त, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन, डॉक्टर विक्रम सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, और डॉक्टर अनुराधा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। यदि इस व्याख्यान के दौरान आपके मन में कोई प्रश्न या कोई शंका उत्पन्न होती है तो व्याख्यान के अंत में हमारे एक्सपर्ट पैनल के सामने आप वह प्रश्न रख सकते हैं और उसका जवाब पा सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपना मोबाइल कृपया स्विच ऑफ रखें या साइलेंट मोड पर रखें। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगी अपने पहले वक्ता डॉक्टर नवीन दत्त को, जो बात करेंगे स्वाइन फ्लू, उसके निदान एवं उपचार के बारे में, लक्षण एवं उपचार के बारे में। धन्यवाद मैडम। मैं आप सभी लोगों का यहाँ स्वागत करता हूँ। हम अभी बात करेंगे स्वाइन फ्लू के लक्षण, निदान और उपचार के बारे में। सबसे पहले स्वाइन फ्लू है क्या? ये स्वाइन फ्लू एक वायरस से होने वाली बीमारी है। जैसे बैक्टीरिया होते हैं ऐसे वायरस होते हैं। स्वाइन का मतलब होता है सुअर। सुअर से इस बीमारी का क्या रिलेशन है? सबसे पहले जो इन्फ्लुएंजा बीमारी है, स्वाइन फ्लू बेसिकली एक इन्फ्लुएंजा की टाइप है। जिस इन्फ्लुएंजा इंसान में भी हो सकता है, पक्षी में भी हो सकता है और जानवर में भी हो सकता है। नॉर्मली जो इंसान में इन्फेक्शन करने वाले वायरस होते हैं वो इंसान में करते हैं और जो पक्षियों में करते हैं वो पक्षियों में बीमारी करते हैं। लेकिन कई बार दो तरह के वायरस मिल के एक नया वायरस बना देते हैं। और 2009 में एक नया वायरस आया था जिसको हमने 2009 H1N1 स्वाइन फ्लू का, वो तीन चीजों से मिलके बना था, पक्षी के इन्फ्लुएंजा से और क्या कहते हैं सुअर के इन्फ्लुएंजा से और इंसान के इन्फ्लुएंजा से। ये 2009 के अंदर इतना नया टाइप का वायरस था कि पहले से इसके लिए कोई शरीर के अंदर प्रतिरोधक शक्ति नहीं थी, इसलिए 2009 में बहुत सारे लोग उस टाइम मरे थे और तब से हम इसके बारे में काफी कंसर्न रहते हैं। इन्फ्लुएंजा कई सौ साल से इंसान के साथ है, हमेशा हर साल होता है हर बार, लेकिन हम 2009 के बाद से इसके बारे में ज्यादा जागरूक हैं। हम भी अभी बात करेंगे क्यों ज्यादा जागरूक हैं। एक तो इस वायरस की एक खास बात होती है, ये अपना रूप रंग बदल सकता है। नॉर्मली अगर किसी को एक बार इन्फ्लुएंजा हुआ है, अगली बार अगर सेम वायरस बीमारी करेगा तो बीमारी नहीं होगी या हल्की होगी, लेकिन अगर वो अपना रूप बदल लेगा, उसकी जो एंटीजेनिसिटी कहते हैं अगर वो बदल जाएगी तो वो हमारे लिए नया होगा और जो प्रतिरोधक शक्ति है वो हमारे शरीर में नहीं होगी तो बीमारी बड़ी होगी। ऐसा ही 2009 में हुआ था, एक नया वायरस बन के आया जिसके लिए हमारे शरीर में कोई रेजिस्टेंस नहीं था और बीमारी बड़ी हुई। अभी हम इसको स्वाइन फ्लू कह रहे हैं पर हो सकता है ये सिर्फ अकेला स्वाइन फ्लू ना हो। इन्फ्लुएंजा वायरस तीन तरह के होते हैं, दो तरह के, इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी। इन्फ्लुएंजा ए दो टाइप का होता है, H1N1 और H3N2। इन्फ्लुएंजा बी इतना खतरनाक नहीं होता है, ज्यादातर H1N1 और H3N2 यही ज्यादा बीमारी करते हैं। इस बार दुनिया के ज्यादातर हिस्से में H3N2 ज्यादा बीमारी फैला रहा है, तो ये दोनों ही रहते हैं, कभी H1N1 ज्यादा बीमारी करता है, कभी H3N2 ज्यादा बीमारी करता है। लेकिन अभी इंडिया का डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि ज्यादा किससे हो रही है, लेकिन हो सकता है कि इंडिया में भी H3N2 ज्यादा हो। जो नेगेटिव आते हैं वो हो सकता है कि H1N1 ना हो, H3N2 हो। ठीक है, ये इस वायरस की स्ट्रक्चर है। जो आप इसमें ये उठे हुए डंडे से देख रहे हैं ये H और N की टाइप्स हैं। अगर इनमें थोड़ा सा हेरफेर आए तो वायरस की स्ट्रक्चर बदल जाती है।
एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्वाइन फ्लू फैलता कैसे है। स्वाइन फ्लू अगर किसी इंसान को बीमारी है, इन्फ्लुएंजा है, तो उससे यह सिर्फ एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलता है। आज की डेट में किसी सुअर से यह इंसान में नहीं आ सकता है। तो अगर किसी इंसान को इन्फ्लुएंजा बीमारी है आज की डेट में, हो सकता है स्वाइन फ्लू, हो सकता है H3N2, कोई भी इन्फ्लुएंजा है, तो वो जब खांसता है या छींकता है तो जो ड्रॉप्स निकलती हैं छोटी, उनके अंदर वायरस होता है। अगर वो किसी भी तरीके से हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन, जो झिल्ली कहते हैं हम, जैसे मुंह की झिल्ली, ये लाल कलर की जो होती है मुंह की, आंखों में या नाक में, अगर इसके कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो बीमारी कर सकता है। इसके लिए फेफड़े में जाने की जरूरत नहीं है। अब कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे इनके टच में आएगा? पहला तो हो सकता है उसने छींका और डायरेक्टली आपने सांस लिया और सांस के साथ नाक में चला गया। दूसरी बात हो सकता है मरीज ने छींका कहीं पे या खांसी की, वायरस उस जगह पे चिपक गया, उसके बाद आपने हाथ टच किए वहां पे, आपने मुंह पे रगड़े और वो वहां से होठ में या आंख में या नाक में चला गया। ठीक है, ये मेन तरीके होते हैं जिससे फैलता है। इसीलिए हाथ धोना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और अगर किसी को इन्फ्लुएंजा है, खांसी है, बुखार जुकाम है, तो खांसी इस तरह करनी है कि दूसरे आदमी तक ना पहुंचे। रुमाल लगाना है या कोई टिश्यू लगा के मुंह को कवर करना है। हाथ मिलाने से भी फैलता है। जब स्वाइन फ्लू होता है तो राम राम ज्यादा अच्छा है हाथ मिलाने से। हमारा पुराना तरीका ज्यादा अच्छा था। अब अगर किसी को बीमारी है, आज स्वाइन फ्लू है, तो कितने दिन तक फैला सकता है? और अगर आज किसी को इन्फेक्शन लगा है, मान लो मैं किसी स्वाइन फ्लू के मरीज के कांटेक्ट में आया, तो नॉर्मली 1 से 4 दिन लगते हैं बीमारी होने में। अगर 4 दिन के अंदर बीमारी नहीं हुई है तो इसका मतलब स्वाइन फ्लू नहीं होगा आपको। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 5 दिन पहले किसी से मिला जिसे स्वाइन फ्लू था और आज कोई दिक्कत आई है, तो हो सकता है कि स्वाइन फ्लू ना हो और उससे मुझे इन्फेक्शन नहीं लगा है। और अगर कोई बीमार है, वो लक्षण आने से 1 दिन पहले उस डिजीज को फैलाना शुरू कर देता है और लगभग 1 हफ्ते तक फैलाता रहता है। अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो उसको 1 हफ्ते तक स्कूल में या काम पे नहीं जाना चाहिए, वरना उससे किसी दूसरे को इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। ये सब तरीके, क्लोज कॉन्टैक्ट, अगर एक दूसरे का क्लोज कॉन्टैक्ट होगा तो ज्यादा चांसेस होंगे। जितना ज्यादा अगर किसी को अगर गले लगेंगे तो और ज्यादा चांस होंगे। अब स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या है? स्वाइन फ्लू के लक्षण जो किसी भी बुखार जुकाम के होते हैं, बुखार, खांसी, नाक से पानी बहना, थकान, सरदर्द, कोई भी तरीका नहीं है डिस्क्रिमिनेट करने का या उसके अंतर करने का कि कौन सा स्वाइन फ्लू है और कौन सा स्वाइन फ्लू नहीं है, सिंपल सर्दी जुकाम है। और नॉर्मली इन्फ्लुएंजा भी सिर्फ नॉर्मल सर्दी जुकाम करता है, ऐसा नहीं है ये ज्यादा बड़ी बीमारी है। जो नॉर्मल हर साल हमें होता है वो भी ज्यादातर इन्फ्लुएंजा ही होते हैं। ये दिक्कत किसमें करता है? जब कॉम्प्लिकेशन डेवलप करती हैं। बुखार जुकाम से कोई दिक्कत नहीं होती। और कौन सा H1N1 इन्फ्लुएंजा है, स्वाइन फ्लू है, उसको डिफ्रेंशिएट करने ना तो डॉक्टर कर सकता है और ना किसी भी सिम्टम से पता नहीं लग सकता है। ये सब उसके सिम्टम है। एक सेकेंड, इससे उल्टी दस्त भी हो सकते हैं। अगर ज्यादा बीमारी बढ़ जाए तो सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, नींद आ सकती है ज्यादा, BP कम हो सकता है, बलगम में खून आ सकता है या शरीर नीला भी पड़ सकता है। अगर इनमें से कोई चीज है, इसका मतलब बीमारी बढ़ रही है, क्योंकि बुखार जुकाम में ये चीजें नहीं होती हैं। इसका मतलब वो आगे बढ़ रही है, हो सकता है कि उसका न्यूमोनिया डेवलप हो गया। और ये वही कंडीशन है जिसके अंदर ज्यादा दिक्कत होती है, परेशानी, जान को खतरा होता है, वो यही कंडीशन होती है। इसकी कॉम्प्लिकेशन ज्यादातर न्यूमोनिया होती है, लेकिन हार्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है और दिमाग को भी ये इन्वॉल्व कर सकती है। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है कि ज्यादा खतरा किसको है? ज्यादा खतरा है गर्भवती महिला, 2 साल से छोटे बच्चे, 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति, अस्थमा या जो बीड़ी वाला सांस की बीमारी होती है, दिल की बीमारी, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, डायबिटीज की जो शुगर है उनको,
और HIV या कोई और ऐसी बीमारी जिसके अंदर इम्यूनिटी कम है। ये हाई रिस्क ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अंदर हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत होती है, ट्रीटमेंट भी जल्दी स्टार्ट करना पड़ता है। डायग्नोसिस, देखो डायग्नोसिस सबसे बड़ी बात है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। इसका अगर सिम्टम आने के, अगर लक्षण आने के 48 घंटे के अंदर इलाज शुरू किया जाए तो इलाज का फायदा होता है, नहीं तो ज्यादा फायदा नहीं होता है। इसका डायग्नोसिस सिर्फ सरकार को जरूरत होती है कि पता लग जाए कि इस एरिया में स्वाइन फ्लू फैला हुआ है। अगर आपने टेस्ट की, वेट की, रिपोर्ट की दवाई शुरू करने के लिए, तो दवाई काम ही नहीं करेगी। जब बीमारी ज्यादा फैली होती है उस टाइम बिना टेस्ट की, रिपोर्ट की, वेट किए हुए ट्रीटमेंट शुरू करना होता है। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वेट नहीं करनी होती। ये सिर्फ सरकार के लिए जरूरत है कि उनको पता लग जाए कि यहां पे ये स्वाइन फ्लू फैला हुआ है, तो उस टाइप की दवाई ज्यादा पहुंच जाए। अगर वेट की तो दवाई काम नहीं करेगी। इसकी टैमीफ्लू दवाई होती है, आप सभी ने नाम सुना होगा। हम इलाज के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि अगर दिक्कत हो तो क्या करना है। ठीक है, अगर एक बार डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये उनका काम है। ये देखिए, अगर किसी को बुखार के साथ खांसी या गला खराब है, ये बुखार के साथ खांसी या गला खराब, अगर अकेला गला खराब है या कुछ खांसी आ रही है तो स्वाइन फ्लू का डाउट नहीं होता है। कम से कम बुखार के साथ में खांसी और गला खराब में से एक चीज होनी चाहिए। उसके बाद में देखना है, अगर हाई रिस्क है आदमी, जो हमने अभी कैटेगरी बात की थी, अगर हाई रिस्क है तो उपचार करना होता है थोड़े से बुखार जुकाम में भी। अगर प्रेग्नेंट फीमेल है, अगर उम्र 2 साल से कम है, 65 साल से ज्यादा है, कोई छाती की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, तो इलाज हमें हल्की बीमारी में भी शुरू करना होता है। और अगर हाई रिस्क नहीं है तो हम हल्की बीमारी में दवाइयां शुरू नहीं करते हैं। फिर हम देखते हैं खतरे के लक्षण हैं या नहीं। खतरे के लक्षण अगर हैं तो उपचार करना होता है, अगर नहीं है तो कोई उपचार नहीं करना होता। ठीक है, 2-3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो हाई रिस्क का पता होना आपके लिए, एक खतरे के लक्षण का पता होना। अभी हम उनके बारे में बात करेंगे। खतरे के लक्षण जो वयस्कों में, अडल्ट्स के अंदर खतरे के लक्षण है, छाती में दर्द, सांस फूलना, शुरुआती सुधार के बाद तबीयत बिगड़ना, तेज बुखार या लंबा बुखार, बलगम में खून आना, अधिक नींद आना या होश में कमी आना, या और शरीर नीलाना। इसका मतलब बुखार जुकाम से बीमारी फैल रही है। अगर छाती में दर्द है, सांस फूलना है, इसका मतलब न्यूमोनिया डेवलप हो रहा है। अगर शुरुआती सुधार के बाद तबीयत बिगड़ रही है, इसका मतलब पहले वायरल इन्फेक्शन था, अब बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई दूसरा साथ में आ रहा है। तेज बुखार का मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई है। और अगर अधिक नींद आ रही है, होश में कमी आ रही है, इसका मतलब दिमाग में इन्वॉल्वमेंट हो गई है, इसका मतलब जुकाम से बीमारी बढ़ गई है। और बच्चों के अंदर होता है शुरुआती सुधार के साथ तबीयत बिगड़ना, सांस तेज चलना, तेज बुखार, लंबा बुखार, चिड़चिड़ापन, या बच्चा खाना पीना बंद कर दे, तो इन सब कंडीशन के अंदर ट्रीटमेंट शुरू करना होता है। अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में नहीं है और खतरे के लक्षण भी नहीं है तो इलाज, अगर H1N1 इन्फ्लुएंजा है तो भी इलाज की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बचने के उपाय। 3 तरह के लोग होते हैं, एक तो जिनको बीमारी नहीं है उनको, वो कैसे बचें, ये उनके लिए है। बचने के उपाय हैं कि सारा दिन हाथ धोने हैं। किस टाइम धोने हैं? अगर आपके आसपास कोई खांस रहा है, या वैसे भी आपने कोई सरफेस टच किया है जिसको कोई भी दूसरा आदमी भी टच कर सकता है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज होती है, हाथ धोना। साबुन सबसे अच्छा होता है, साबुन और पानी से। अदरवाइज सैनिटाइजर जो होता है, जो उससे हम हाथ धोते हैं, अल्कोहल बेस होते हैं, हाथ रगड़ते हैं, वो अपने आप सूख जाता है, उससे भी धो सकते हैं। और जिन लोगों को फ्लू जैसे लक्षण है उनके संपर्क में ना आए। अगर 6 फीट से ज्यादा नजदीक आप जाते हैं तो चांस है कि आपको भी इन्फेक्शन लग सकता है। अपने मुंह, नाक या आंखों को छूने से बचे, क्योंकि आप एक लिमिट तक हाथ धो सकते हैं, पूरा दिन नहीं धो सकते। आपने कोई सरफेस टच किया, हो सकता है आपने मुंह पे टच किया, नाक पे टच किया, तो इन्फेक्शन फैल सकता है। फेस मास्क या N95 मास्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर प्रोटेक्शन थोड़ी बहुत देता है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा लिटरेचर भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फिर भी हाथ धोना ही है। लेकिन अगर भीड़ में जाएं या हाई रिस्क ग्रुप है, मान लो प्रेग्नेंट लेडी है,
जिसको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हैं वो पहन सकती हैं अगर भीड़ में जाएं तो। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बचने का तरीका है, खासकर हाई रिस्क ग्रुप में, छोटे बच्चों में, बड़ी एज में या कोई और बीमारी साथ में, ये बहुत, इसके बारे में अभी डॉक्टर विक्रम आपसे अच्छे बात करेंगे और बचने के उपाय डॉक्टर अनुराधा अभी आपसे डिटेल में बात करेंगे, इसलिए मैं ज्यादा इनके ऊपर कंसंट्रेट नहीं करूंगा। वो तो था अगर किसी को कोई लक्षण नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे स्वाइन फ्लू हो सकता है, बुखार है, साथ में जुकाम है, तो क्या करना है? एक तो घर पे रहें, जिस दिन लक्षण शुरू हुए उसके 7 दिन बाद तक घर में रहना है, और खांसते और छींकते वक्त मुंह पर टिश्यू पेपर या रुमाल रखें। टिश्यू पेपर ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि आप उसको फेंक सकते हैं, नया यूज कर सकते हैं, और लेकिन उस टिश्यू पेपर का ध्यान रखना है, उसको अच्छी तरह फेंकना है आपने किसी डस्टबिन में, यानी वो किसी और के कॉन्टेक्ट में नहीं आए, वरना उसी से इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हाई रिस्क ग्रुप में है और थोड़ी सी भी दिक्कत है तो डॉक्टर से मिले। अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली फीमेल है, मदर्स हैं, तो वो दूध निकाल के चम्मच कटोरी से पिला सकती हैं, कोई और पिला सकता है उसको। और अगर कोई खतरे के लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगर अगर किसी को लगता है कि मैं स्वाइन फ्लू हो, किसी को बुखार जुकाम था, मैं उसके कॉन्टेक्ट में आया हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको पता है 4 दिन के तक अगर दिक्कत नहीं हुई है तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर 4 दिन के अंदर लक्षण आने लगे, अगर हाई रिस्क में है तो डॉक्टर से जाके मिलें, अगर हाई रिस्क में नहीं है तो वेट करें, और अगर खतरे के सिम्टम आए तो फिर डॉक्टर से मिलना है। अदरवाइज सिंपल बुखार जुकाम में कोई डरने की बात नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर नवीन। अब मैं बुलाना चाहूंगी अपने दूसरे वक्ता को, डॉक्टर विक्रम सिंह, जो हमें हाई रिस्क ग्रुप में लेने वाली सावधानियों के बारे में बताएंगे। डॉक्टर विक्रम, मैं आप सभी लोगों का एम्स में स्वागत करता हूं। हम इस समय इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जो लोग हाई रिस्क ग्रुप हैं उनमें क्या क्या रोकथाम के उपाय किए जा सकते हैं। रोकथाम क्यों आवश्यक है और रोकथाम क्या होता है? रोकथाम से हम लोग किसी भी बीमारी अपने लक्षण उत्पन्न करें उससे पहले ही कुछ ऐसे उपाय करना, जैसे कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना या कीटाणु ज़्यादा ना फैलें, इस प्रकार के उपाय करना को रोकथाम कहते हैं। इसको मुख्य से प्राथमिक रोकथाम कहते हैं। किन लोगों में रोकथाम की आवश्यकता है? जैसा कि डॉक्टर नवी ने बताया कि ऐसे लोग जो कि हाई रिस्क ग्रुप हैं या जनरल पॉपुलेशन, इन दोनों में ही रोकथाम की आवश्यकता है। हाई रिस्क ग्रुप कौन से हैं? कुछ लोग जो हैं ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप में हैं, जैसे कि 2 साल से कम के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, वे व्यक्ति जिनको कि कुछ गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कि अस्थमा है, COPD है, हृदय का रोग है, किडनी डिजीज है, या वो व्यक्ति जो कि अधिक 65 साल से अधिक आयु के हैं, या अत्यधिक मोटे हैं, या बहुत ही गरीब लोग जो हैं, इन लोग हाई रिस्क ग्रुप हैं। इन लोगों को क्यों हाई रिस्क ग्रुप कहते हैं? क्योंकि इन लोगों में जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम होती है, इस कारण से इनमें गंभीर बीमारी होने की आशंका ज़्यादा रहती है। अब इन लोगों में कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं? रोकथाम के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, या तो टीकाकरण, कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस, या कीमोप्रोफाइलेक्सिस। पहला रोकथाम का उपाय टीकाकरण। टीकाकरण किसका होना चाहिए? किसी भी व्यक्ति या शिशु जो कि 6 महीने से अधिक है उसको हर साल टीका लगाया जा सकता है। टीके किस प्रकार के होते हैं? टीके जो हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो टीका जो कि 3 प्रकार के वायरसेस के लिए प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है,
जैसा कि वायरस के प्रकार डॉक्टर नवी ने बताया, दूसरा वो टीके जो चार प्रकार के वायरसेस के लिए प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, जिसमें कि इन्फ्लुएंजा ए के और इन्फ्लुएंजा बी के दो दो स्ट्रेन कवर करते हैं। ये जो टीके होते हैं इनमें, ये टीके भी दो और प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें कि वायरस को निष्क्रिय कर दिया गया है पूर्णतया, या तो वायरस को पूर्णतया नहीं कुछ हद तक केवल निष्क्रिय किया गया है, जिसको कि लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन कहते हैं। टीके कितनी बार लगने चाहिए? जो ट्राइवेलेंट टीके होते हैं उनको या क्वाड्रीवेलेंट, साल में एक बार लगाना है। किसको लगाना है ट्राइवेलेंट? जैसा कि हमने बताया कि दो तरह के हैं, ट्राइवेलेंट या क्वाड्रीवेलेंट। तो ट्राई, हम अभी हम ट्राइवेलेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ट्राइवेलेंट को कोई भी बच्चा जो 6 महीने से अधिक है उसको लगा सकते हैं, किसी भी एडल्ट को लगा सकते हैं, और जो लोग हाई रिस्क ग्रुप हैं उनको लगाना है। जो दूसरे प्रकार का टीका होता है जिसमें कि वायरस जो होता है वो पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं होता है, इस प्रकार की वैक्सीन जो है वो नेजल स्प्रे के थ्रू दी जाती है। इसको भी साल में एक बार दिया जाता है, परंतु ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार की वैक्सीन सबको नहीं दी जा सकती है। अगर बच्चे की उम्र 2 साल से कम है तो नहीं देना है, गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है, और ये वैक्सीन हाई रिस्क ग्रुप को नहीं देनी है, क्योंकि इसमें जो वायरस है वो पूर्णतया निष्क्रिय नहीं है। टीकाकरण किस समय होना चाहिए? ये जो टीके हैं, जो पिछले साल के जो टीके हैं वो इस साल हम लोग नहीं लगा सकते हैं, हर साल नए टीके बनते हैं। तो जैसे ही, और एक टीके को बनाने के लिए एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, किस प्रकार के वायरस के स्ट्रेन विश्व में हैं उनको WHO कलेक्ट करता है, उसकी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके फिर उस प्रकार से टीके बनते हैं, और एक टीके को बनाने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। तो जैसे ही हर साल के नए टीके उपलब्ध हों उनको टीकाकरण करवाना चाहिए। उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली सर्दी से पहले टीका लगना चाहिए, क्योंकि सर्दी के बाद जो है वायरस की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। और अगर दक्षिण भारत में रहे हैं तो बरसात या मानसून से पहले टीकाकरण अवश्य होना चाहिए। लेकिन टीकाकरण के भी कुछ बहुत छोटे मोटे दुष्प्रभाव हैं, जैसे कि टीका लगने के, जैसा कि नॉर्मली होता है, टीका लगने के स्थान पर दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, जिन मांसपेशियों में टीका लगा है उनमें दर्द हो सकता है, या तो बच्चों में टीका लगने के बाद बुखार, और कुछ लोगों में तान भी आ सकती है, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम होती है। जो ऐसे लोग ऐसे प्रोफेशन में हैं या जो परिवार में किसी को इन्फ्लुएंजा हुआ है, उन लोगों को तो टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है। टीकाकरण गर्भवती महिलाओं को या जो गर्भ धारण करने के लिए प्लान कर रहे हैं उनको भी टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है। किस समय लगना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को? किसी भी समय लगाया जा सकता है, लेकिन लाइव एट्यूनेटेड वायरसेस जो कि वायरस पूर्णतः निष्क्रिय नहीं हुए हैं उनको गर्भवती महिलाओं में नहीं दिया जाता है। टीका के अलावा जो है बचाव का दूसरा उपाय यह है कि पहले ही एंटीवायरल ड्रग्स दे देना। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ रहा है जिसको कि इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है, और वो व्यक्ति हाई रिस्क ग्रुप का है, तो हम लोग कीमो प्रोफाइलेक्सिस दे सकते हैं। ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये केवल कीमो प्रोफाइलेक्सिस है। तो किसको ये ड्रग स्टार्ट करनी चाहिए? जो लोग हाई रिस्क ग्रुप हैं, डॉक्टर एवं उनके को वर्कर्स को, एवं गर्भवती महिलाओं को। कीमो प्रोफाइलेक्सिस और ट्रीटमेंट में डिफरेंस है। ट्रीटमेंट तब होता है जबकि डिजीज के पूरे सिम्टम्स आ रहे हैं और आप सस्पेक्ट कर लिए हैं कि इसको डिजीज हो गई है। कीमो प्रोफाइलेक्सिस उन लोगों को दी जाती है जिसमें कि आप ये केवल अंदेशा कर रहे हैं कि इसमें डिजीज हो सकती है, और अगर होगी तो उसको गंभीर रूप ले सकती है।
किन लोगों को कीमोप्रोफाइलेक्सिस नहीं देना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है और जो बच्चे खुले वातावरण में, उनको ऐसा अंदेशा है कि इस व्यक्ति को इन्फेक्शन है और मैं उसके संपर्क में आया, तो उनको कीमोप्रोफाइलेक्सिस की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया है लेकिन दो दिन से अधिक बीत चुके हैं तो उसको कीमोप्रोफाइलेक्सिस की आवश्यकता नहीं है। और कोई भी किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हुआ लेकिन उसका जो ड्यूरेशन ऑफ संक्रमण, मतलब बीमारी फैलाने के जो दिन है, वो निकल चुके हैं, तो भी कीमोप्रोफाइलेक्सिस की आवश्यकता नहीं है। कीमोप्रोफाइलेक्सिस के वही साधन है जो ट्रीटमेंट के हैं, जैसे कि टेमोफ्लू टैबलेट्स। ऐसा हो सकता है कि आप लोग को ये लगे कि कुछ लोग हाई रिस्क ग्रुप हैं और किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए, कीमोप्रोफाइलेक्सिस टेमीफ्लू टैबलेट्स भी स्टार्ट हो गई और आपको लगता है कि अब आप वैक्सीनेट टीकाकरण भी करवा लें, तो उस कंडीशन में टीकाकरण तो हो सकता है लेकिन टीकाकरण जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है उसी के थ्रू होगा, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन के थ्रू नहीं होगा। इसके अलावा तो उपाय के दो विषयों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो बचाव के दो तो मुख्य थे, एक टीकाकरण, दूसरा कीमोप्रोफाइलेक्सिस। तीसरा है कि हम लोग अगर छोटे छोटे सावधानियां रखें तो हाई रिस्क ग्रुप में इस संक्रमण से बचाव किया जा सकता है, जैसे कि डॉक्टर लोग या हॉस्पिटल के स्टाफ या वो लोग जो इनके घर में किसी को इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हुआ है, उन लोग उनसे जब उनकी देख रेख कर रहे हैं तो अपने चेहरे पे एक मास्क लगा के रखें, जिससे कि जो जुखाम के थ्रू या खांसी के थ्रू जो वायरसेस हैं वो आपके म्यूकस सरफेस में ना आए। रोगी के संपर्क में जब आ रहे हैं तो रोगी, क्योंकि जब भी खांसे का छींकेगा तो उसके छींक के थ्रू, खांसी के थ्रू जो वायरसेस हैं वो बॉडी पे आएंगे, तो जब भी आप इस प्रकार के व्यक्तियों को छुएं तो उस तुरंत अपना हाथ धोएं, मास्क लगाए हैं, जो पेशेंट है वो आपके मास्क पे खांस रहा है तो जब मास्क हटाएं उसके बाद फिर से हाथ धोएं। इसी प्रकार से चश्मा लगा के रखें और अपने कपड़े जो है अस्पताल में, लैब में एक गाउन पहने, जिससे कि जब आप अपने लैब से वापस जाएं तो उस गाउन को उतार के जाएं, नहीं तो अन्यथा अगर मैं यही कपड़े पहन के जाऊंगा तो इस हॉस्पिटल में इन्हीं पे वायरस रहेंगे, मैं घर में भी लेके जाऊंगा वहां पे भी सबको संक्रमण हो सकता है। इसी प्रकार से जो लैब में लोग कार्य करते हैं, जो लोग नेजल स्वैब ले रहे हैं, एस्पिरेशन ले रहे हैं, उनको भी इन बातों का बहुत सावधानी रखनी है कि केयरलेसली जो है ये ना सोचे कि हम वैसे ही कर सकते हैं, क्योंकि जब नेजल स्वैब ले रहे हैं तो पेशेंट जरूर खांसेगा तो उसकी खांसी के थ्रू जो कीटाणु हैं वो आपके ऊपर आएंगे। तो लैब टेक्नीशियंस जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको भी बहुत आवश्यक है कि वो मास्क लगा के रखें, एक गाउन पहने, आंखों को ढक के रखें। तो इस प्रकार इन छोटे छोटे प्रिकॉशन से हम लोग संक्रमण को बहुत हद तक बचा सकते हैं। इस तरह के मास्क आते हैं जिनको हम पहन सकते हैं, एक थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी का मास्क है जिसमें कहा जाता है कि इसमें प्रोटेक्शन की संभावना ज़्यादा है,
और लैब जो टेक्नीशियन है इस प्रकार के गाउन, फेस मास्क, ग्लव्स पहन के रहें तो संक्रमण की संभावना को और कम किया जा सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर विक्रम इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अनुराधा शर्मा को, जो स्वाइन फ्लू और उसके निदान के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर भारती। मेरे से पहले मेरे साथियों वक्ताओं ने, मैंने जो प्रेजेंट करना है ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है, फिर भी मैं संक्षिप्त में आपको एक बार इसकी जानकारी देना चाहूँगी। स्वाइन फ्लू आप जानते हैं कि एक प्रकार का फ्लू वायरस है और इसमें सुअरों के संपर्क में आने से होना कोई ज़रूरी नहीं है, ये इंसानों से ही फैलता है। और हम बात करेंगे सभी प्रकार के फ्लू से किस तरीके से रक्षा अपनाई जा सकती है। और पूरे विश्व में इस समय सर्दियों में ये संक्रमण बहुत ज़्यादा फैलता है और हर साल कुछ हजार से लेके कुछ लाख तक लोग मृत्यु की चपेट में आते हैं इस इन्फेक्शन के कारण। ये एक पहले से हेल्दी व्यस्त से लेके जो लोग ज़्यादा रिस्क में हैं उन तक को मार सकता है। इसलिए हम देखेंगे कि क्या किस तरीके से हम अपना बचाव कर सकते हैं। CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इसके लिए तीन तरीके की अप्रोच मानता है या तरीके मानता है जिससे कि हम इसके रोकथाम कर सकते हैं। पहला है टीका या वैक्सीन, दूसरा है एंटीवायरल दवा और तीसरा है फैलने से बचाव। टीका, जैसे कि अभी आपको डॉक्टर विक्रम ने बताया, इसके बारे में इन्होंने बहुत विस्तृत जानकारी दी है, पर एक आम आदमी के लिए यह जानना ज़रूरी है कि ये टीका पहली बात सरकारी अस्पतालों में नहीं मिलता है, आपको प्राइवेट में लगवाना पड़ेगा, कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और 6 महीने से ऊपर उम्र के सभी लोग, चाहे आपकी उम्र 70 वर्ष है, सभी को लगवाना चाहिए और हर साल लगवाना चाहिए, क्योंकि ये वायरस जो है बदलता जाता है, या तो अगले साल बदल सकता है या कुछ सालों में ये अपना गुण बदलता रहता है। और अगर हम ये दोनों नहीं कर सकते तो जो हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे इन्होंने डिस्कस किया, उनको जरूर लगवाना चाहिए। हेल्थ केयर वर्कर्स, मतलब जो अस्पताल में कर्मचारी हैं, जो मरीज के संपर्क में आते हैं, उनको जरूर लगवाना चाहिए, क्योंकि वो एक सोर्स बन सकते हैं, वो खुद संक्रमित होंगे, वे तो दूसरों को संक्रमण दे सकते हैं। गर्भवती महिलाओं में इसका मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो उनको लगवाना चाहिए और उसमें इनकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, ये वैक्सीन वो ले सकती हैं। पर जिन लोगों को अंडे से एलर्जी है वो इस वैक्सीन को, जो कि हमारे यहाँ ज़्यादातर अवेलेबल है, दो तरीके की वैक्सीन हैं, डॉक्टर साहब ने आपको बताया, पर ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो अंडे से, जिन लोगों को एलर्जी है वो नहीं ले सकते हैं। इसलिए आप वैक्सीन लेने से पहले आपके जो भी चिकित्सक हैं उनसे परामर्श जरूर लीजिए, क्योंकि कुछ कंडीशंस हैं जिनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड या केयरफुली लेनी चाहिए, जैसे कि अगर पहले हिस्ट्री भी है गुलेन-बारे सिंड्रोम की तो वैक्सीन सावधानी से लेनी है। एंटीवायरल दवा, इसको मैंने खासतौर से लिखा है क्योंकि लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, उनको जुकाम होता है, खांसी होता है और वो फट से एंटीबायोटिक लेने लगते हैं और वो सोचते हैं हमने तो इलाज करा लिया, पर वो गलत है। पहली बात, हम अपनी एंटीबायोटिक्स को बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि वो फिर अपना असर खोती जाती हैं और वो इस मर्ज में आपको खास फायदा नहीं देंगी। 70-80% लोगों के लिए उनका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ हाई रिस्क ग्रुप जिनमें कॉम्प्लिकेशंस फर्दर डेवलप हो सकते हैं, वो सिर्फ एक चिकित्सक जान सकते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है। इसलिए एंटीबायोटिक बाजार में जाके दुकान से खरीद के नहीं खानी चाहिए। और एंटीवायरल दवा भी जो है वो जल्द से जल्द, जैसे ही लक्षण आते हैं तो 48 घंटे के अंदर शुरू करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है,
या फिर जिन मरीजों को दाखिल किया गया है कि उनको फ्लू हो सकता है या फिर उनका डायग्नोसिस बन चुका है कि उनको फ्लू है, उनको लेना चाहिए। और अभी सरकार ने ये किया है, क्योंकि दवा की कमी भी चल रही थी, आप सभी अखबार में पढ़ते हैं, तो कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के लोगों को ही दवा उपलब्ध कराई जाएगी। कीमो प्रोफिलेक्सिस डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया, ये हाई रिस्क ग्रुप और हेल्थ केयर वर्कर्स को देते हैं। तो जिन्होंने टीका ले लिया है और अभी 2 सप्ताह नहीं हुए हैं और वो मरीजों के कांटेक्ट में आए हैं, तो उनको भी कीमो प्रोफिलेक्सिस लेनी चाहिए और ये दवा 2 हफ्ते तक ली जा सकती है। कैसे फैलता है हम सभी अभी तक जान चुके हैं कि ये सांस के द्वारा फैलता है, और जब कोई इंसान खांसता छींकता है तो ये विषाणु हमारे हवा में आ जाते हैं, जिसको दूसरा व्यक्ति जब लेता है सांस के द्वारा अंदर चले जाते हैं। पर ये उसके अलावा हमारे हाथों पे भी आते हैं। तो जो इन्होंने बताया कि हम कॉमन सर्फेसिस, यहाँ बोलते हैं जो सतह जो ज़्यादातर छुई जाती हैं, जैसे कि डोर हैंडल्स हैं, रेलिंग्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, पेन हैं, इवन करेंसी है, और इसके अलावा स्विच बोर्ड्स हैं, जितनी चीज़ें जो हम शेयर करते हैं, जब इनको छुआ जाएगा तो इसमें भी ये कीटाणु, सिर्फ ये वायरस ही नहीं, बाकी के कीटाणु भी आ सकते हैं और वो फैल सकते हैं। तो ये 2 तरीके से मतलब फैलता है, एक सांस के द्वारा और दूसरा हाथों से। तो हम पहली चीज क्या कर सकते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाना चाहिए जब हमको अगर इन्फेक्शन हो तो, और दूसरा है हम अपने हाथों की सफाई का ध्यान रख सकते हैं। तो ये एक लिस्ट है कि अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आप अपने ऑफिस या स्कूल या बाजार, या आजकल बहुत शादियां हो रही हैं, इन स्थलों पे मत जाइए, क्योंकि आप दूसरों को इन्फेक्शन देंगे। दूसरी बात, अगर कोई संक्रमित है और आप तक आता है तो जैसे इन्होंने कहा, आप 3 फुट का डिस्टेंस रख के अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा है, जब भी हम, ये हमेशा सिर्फ ये फ्लू के लिए नहीं है, जब भी हम छींकते हैं खांसते हैं हमें अपने मुंह को ढकना चाहिए, जिससे कि संक्रमण हवा में नहीं फैले। और रुमाल से बेहतर है कि हम टिश्यू पेपर नैपकिन्स यूज करें, और वो सिंगल यूज, मतलब एक बार ही इस्तेमाल किए जाने चाहिए, और उसके तुरंत बाद हमें अपने हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, मतलब हम हैंड सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोएं। ये माना जाता है एक इंसान अपने चेहरे को 1 घंटे में 6 से 7 बार तक छूता है, और इसी तरीके से हम बहुत सारे इन्फेक्शन जो हैं लेते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा चेहरे को छूना नहीं चाहिए, और बाकी अपनी सेहत का ख्याल रख के कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए और अच्छा भोजन करना चाहिए, ये सेहत को आपकी बना के रखेगा। अब एक प्रश्न उठता है, मास्क का कब प्रयोग करें? हर किसी को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। अखबार में एक फोटो भी आई थी कि एक स्कूल में सारे बच्चे मास्क पहन के बैठे हैं, इस तरीके की चीज़ की जरूरत नहीं है। आप स्कूल में जो बच्चा संक्रमित है उनको वापस घर भेज सकते हैं, और सिर्फ 2 लोग हैं, 2 ग्रुप हैं जिनको जरूर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। एक है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, मतलब जो अस्पतालों में काम करते हैं, और दूसरा है जिनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने का डर है। सो अगर आप इस तरीके के मरीजों के पास आते हैं तो आप ये सिंपल सर्जिकल मास्क यूज़ करना, जो हरे वाले मास्क आते हैं, काफ़ी है। N95 मास्क शुरू में जब स्वाइन फ्लू फैला था तो बोला गया था इस्तेमाल किया जाए, पर अभी ये प्रूव हो चुका है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक अस्पताल में क्या किया जा सकता है, हाथों की स्वच्छता, जिसे हम यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में लेते हैं, सभी बीमारियों से, सभी तरीके के संक्रमण से हमारी रक्षा करती है। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, तो इसके लिए एक, जैसे कि अभी आपके MDM में है भी अलग से स्वाइन फ्लू की OPD है, इसी तरीके से वार्ड, मतलब कि अगर आपको मरीजों को दाखिल करना पड़ता है तो उनको बाकी मरीजों के साथ नहीं रखिए, जिससे बाकी लोगों की रक्षा हो सके, उनको इन्फेक्शन ना हो, और यहाँ तक कि अलग ICU
स्वाइन फ्लू वाले पेशेंट्स के लिए बिल्कुल अलग होना चाहिए। कोहर्टिंग इसे बोलते हैं कि इकट्ठा कर देना, तो सिर्फ मरीज को ही इकट्ठा नहीं करना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टाफ को भी इकट्ठा। जो लोग संक्रमित स्वाइन फ्लू के पेशेंट्स को अटेंड कर रहे हैं उस स्टाफ को बाकी मरीजों की देखभाल के लिए नहीं लगाना चाहिए, वो सिर्फ स्वाइन फ्लू के पेशेंट को ही देखेंगे। और हम देख चुके हैं इनको टीका लगवाना चाहिए स्टाफ को, मास्क पहनना चाहिए और कीमोप्रोफिलेक्सिस दवा लेनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर डॉक्टर भारती। हम लोगों ने जाना कि स्वाइन फ्लू के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या हम बचाव कर सकते हैं और खतरे के स्थिति में क्या करें। अभी हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि क्या स्वाइन फ्लू इतना घातक है, तो इस सब चीज़ों के बारे में और आपके सवालों के जवाब हम हमारे जो विशिष्ट ये लोग हैं एक्सपर्ट्स ये देंगे। तो क्या स्वाइन फ्लू से कितनी चांसेस हैं डेथ होने के? हम डरते इसलिए हैं क्योंकि स्वाइन फ्लू जब हमें लगता है तो ऐसा लगता है कि अब हमारी मौत हो गई, मौत नजदीक है, बट ऐसा नहीं है। स्वाइन फ्लू से हम लोग बच भी सकते हैं। हमें डरने की ऐसा नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल डर की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग जागरूक होकर अगर हम डर अपने रखें, थोड़ा सा डर रखें, तो हम इससे काफी हद तक बचाव कर सकते हैं और ऐसे मरीज की रक्षा भी कर सकते हैं। और ये हम भी उसी के पार्ट हैं, हम एक दूसरे से फैला सकते हैं। अगर हमें स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आया है तो हम सावधानियां लेके उसको संक्रमित दूसरे को संक्रमित होने से बचा सकते हैं, तो हम एक प्रिकॉशन ले सकते हैं। बट सबसे पहला सवाल है कि किन कारणों में स्वाइन फ्लू से डेथ होती है? डॉक्टर विक्रम एंड डॉक्टर नवीन। स्वाइन फ्लू अगर जुकाम और बुखार तक सीमित है तो उसमें कभी भी मरीज की मृत्यु नहीं होती है। नॉर्मली अगर वो किसी दूसरी जगह को इन्वॉल्व कर ले, खासकर कि छाती को या हार्ट को या दिमाग को, तभी डेथ होने के चांस होते हैं। ज़्यादातर मरीज सांस की दिक्कत की वजह से मरते हैं और हर साल अलग अलग रेट होती है, यानी कौन सा वायरस है इसके ऊपर हर साल अलग अलग डेथ रेट होती है। 2009 में पेंडेमिक था उसकी 1% से कम डेथ के चांसेस थे, 0.9 के आसपास का डेटा था। तो हर साल का इंडिया में डेटा पब्लिश नहीं होता है कि कितने डेथ हुई है, कितने परसेंट डेथ हुई है, लेकिन 2009 में पेंडेमिक था जो उसके अंदर 1% के आसपास डेथ रेट थी। क्या अभी स्वाइन फ्लू फैला हुआ है, क्या सभी लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए? 6 महीने से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए। अभी स्थिति कैसी है, क्या हम अभी वैक्सीन लेने से हमें उतना बचाव हो पाएगा? अगर हमने पहले ली होती तो ज्यादा बचाव होता, उससे ज्यादा होता, लेकिन CDC और बाकी गाइडलाइंस भी ये कहती हैं कभी भी लेना, इट्स नेवर टू लेट, यानी आप सीजन के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन क्योंकि हर साल हर वायरस का आपको सीजन कोई प्रीडिफाइंड नहीं है, यानी ऐसा भी नहीं है कि गर्मी शुरू होगी तो एकदम खत्म हो जाएगा, यानी कुछ इसका कोई सिंपल सा कोई तरीका नहीं जिसे आप बता सकें कि ये खत्म होने वाला है या नहीं खत्म होने वाला। हो भी सकता है और कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं भी होता है। क्या वैक्सीन लगाने से क्या हमारा पूर्णतः 100% प्रोटेक्शन हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। कई बार जो वैक्सीन बनती है और वैक्सीन जो सीजन होता है उससे कम से कम 6 महीने पहले डिसाइड करना होता है कि किस किस वायरस के फैलने के ज्यादा चांसेस हैं। कई बार वैक्सीन जिस वायरस की बनाई होती है वो फैलता भी नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी पार्शियल प्रोटेक्शन रहती है, क्योंकि जो पिछला वायरस है उसी के अंदर थोड़ा सा फेरबदल होता है, 50-60% प्रोटेक्शन फिर भी देता है, बीमारी ज्यादा नहीं होगी, हल्की रहेगी, इसलिए फिर भी वैक्सीन लेनी चाहिए।
किस ग्रुप के लोगों को ज्यादा वैक्सीन की आवश्यकता है? हाई रिस्क ग्रुप, प्रेग्नेंट लेडी, 2 साल से कम के बच्चे, 65 साल से ज्यादा उम्र, जिनको शुगर है, अस्थमा है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, या 19 साल से कम के बच्चे जो एस्पिरिन ले रहे हैं, ये और ओबेसिटी है, इन सब ग्रुप्स में ज्यादा जरूरत। डॉक्टर विक्रम कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जो जोधपुर में जो डाटा है कि पिछले जब स्वाइन फ्लू हुआ था तो सबसे ज्यादा डेथ जो है हाई रिस्क में भी प्रेग्नेंट लेडीज में सबसे ज्यादा देखी गई है, तो प्रेग्नेंट लेडीज को वैक्सीनेट कराना ज्यादा आवश्यक है। और आप सर ने पूछा था कि किस समय, तो समय भी जैसे डॉक्टर नवी ने बताया कि किसी भी समय कोई लेट नहीं है, जब भी नई वैक्सीन अवेलेबल हो तुरंत ही वैक्सीनेट करा लेना चाहिए। जनरली विंटर्स आने से पहले, क्योंकि वैक्सीन करने के तुरंत बाद वैक्सीन हम लोग को इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती है, अराउंड 15 दिन का समय लगता है। ओके ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें वैक्सीन सीजन के पहले करा लेने से सबसे ज्यादा फायदा होगा, तो अगले सीजन के लिए पहले करा लेने। लेकिन अभी भी वैक्सीन हम कराते हैं तो इससे कई फायदे होते हैं। एक तो वैक्सीन अगर बच्चे का कराते हैं तो उससे हम जो ट्रांसमिशन है रेट कम कर देते हैं, कम्युनिटी में उसका रेट कम हो जाता है, क्योंकि बच्चे होते हैं वो उतना ज्यादा ध्यान अपने सफाई पे, हाथ पैर धोना ये सब पे कम देते हैं, तो इसलिए बच्चे को हम वैक्सीनेट कराने की ज्यादा कोशिश करें। और जो हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे 60 साल से ऊपर हैं या जिनके कोई परेशानी है, प्रेग्नेंट वुमेन है, इन द आफ्टर थर्ड सेकेंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर दे कैन गेट वैक्सीनेटेड, तो ये ग्रुप है जिसमें हम वैक्सीन से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। क्या जो डेथ्स हुई हैं उसमें क्या स्वाइन फ्लू के कारण से ही डेथ होती है या कोई और कारण भी हो सकता है? अगर स्वाइन फ्लू में संक्रमित पाया गया, पॉजिटिव पाया गया और उनका अगर मृत्यु होती है, तो क्या कारण हम केवल स्वाइन फ्लू को ही देंगे या कोई और कारण भी हो सकता है? सर, जो हाई रिस्क ग्रुप हैं उनकी जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस होती हैं, जैसे कोई CHF का पेशेंट है जी, तो ये एग्जिजरेट हो जाती हैं, okay. तो वो मृत्यु का कारण बनती हैं जल्दी। ओके तो अगर इसका मतलब, कहने का मतलब आपका ये है कि अगर किसी के हार्ट की बीमारी है या उसको लंग्स के पहले से डिजीज थी जैसे अस्थमा वगैरह है, तो इन मरीजों में या किडनी, किसी का किडनी का डायलिसिस वगैरह चल रही है, उनमें इसके खतरे ज्यादा हैं और उनमें डेथ होने के भी कारण ज्यादा हैं, इसीलिए इन लोगों को हाई रिस्क ग्रुप। क्या कोई विश्लेषण किया गया है कि जो डेथ्स हुई हैं उसमें अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या थी, स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आने के बाद और क्या कारण था जिसके कारण से डेथ हुई? सर ये तो पोस्टमार्टम अगर एनालिसिस हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें और इसके बारे में जानने की आवश्यकता है, अभी हम लोग को इतने डरने की आवश्यकता नहीं है, बट अगर जो हमने सावधानी बताई गई है कि हाथ धोना सबसे महत्वपूर्ण है और फेस मास्क पहनना महत्वपूर्ण है, लेकिन फेस मास्क को अगर हमने उतार के दोबारा पहना तो वायरस फिर हमारे दोबारा अंदर जा सकता है, तो करेक्ट मेथड से फेस मास्क इस्तेमाल करना ये भी बहुत जरूरी है। हम लोग अब दर्शकगण में कुछ लोग प्रश्न पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। स्वाइन फ्लू का लेक्चर पहले स्टार्ट कर दें। हाँ ये बिल्कुल, एक्चुअली हम लोग इसी तरह की कोशिश में थे कि अगर वो सीजन स्टार्ट हो, हमने ऐसे पहले डेंगू के बारे में किया था कि डेंगू स्टार्ट होने से पहले उसके बारे में जागरूकता अभियान शुरू कर दें। स्वाइन फ्लू का भी हम लोग का इस समय बहुत लोग डरे हुए हैं, ऐसा उनको लगता है कि अगर H1N1 पॉजिटिव आ गया तो मतलब मृत्यु नज़दीक है, पर ऐसा नहीं है, अगर हम पूरी सावधानी रखें, इलाज करें तो शायद बच सकते हैं। हाँ जी प्लीज़। सर ये जो वैक्सीन है ये कहाँ मिलता है और जोधपुर में उपलब्ध है या नहीं? दूसरा सवाल ये है कि स्वाइन फ्लू को बताते हैं एयरबॉर्न डिजीज है, हवा में फैलता है, तो फिर सबको मास्क क्यों नहीं पहनना चाहिए? वैक्सीन है वो जोधपुर में अवेलेबल है, ये किसी केमिस्ट से भी मिल सकता है, लेकिन वैक्सीन में कोल्ड चेन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, यानी केमिस्ट वो ऐसा हो जिसके पास लाइट का बैकअप हो, जनरेटर वगैरह हो, जिससे लाइट चली जाए तो भी, यानी ज़्यादा अच्छा रहता अगर डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद लें या बड़ी दुकानों को उससे खरीद लें जो जिसके पास बड़ा फ्रिज हो। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? मास्क पहनना क्यों नहीं चाहिए? मास्क, ये वायरस इतना छोटा होता है, अगर हम मास्क लगा रहे हैं, अगर N95 का तो अलग तरीका होता है, अगर सिंपल मास्क होता है उसमें से हम कहीं से सांस तो ले रहे हैं ना, कहीं से तो जा रहा है नीचे से, तो वहां से वायरस भी चला जाता है, वो सिर्फ
अगर कोई मुंह पे छींक रहा है, अगर बिल्कुल पास में है, नजदीक में, उससे प्रोटेक्शन देता है। अगर जो हवा को फिल्टर नहीं करते हैं ये मास्क, ऐसा नहीं है कि अगर हवा में वायरस है तो फिल्टर होके आ जाएगा, आप जहां से सांस ले रहे हैं वहां से वायरस आ जाएगा। सर मेरे पड़ोस में एक मरीज ऐसा भी है जो सिर्फ घर में ही है, वो अकेला रहता है, उसके घर में कोई आवाजाही नहीं होती है, फिर भी उसको स्वाइन फ्लू हो गया। देखिए आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि स्वाइन फ्लू का जो वायरस है जब सांस के द्वारा वातावरण में आता है तो ये 3 फुट से ज्यादा ट्रेवल नहीं करता है, 3 फुट से ज्यादा नहीं जाता है, और ये हवा में अपने आप बहुत ज्यादा देर नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए हर किसी को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। मैं राजस्थान पत्रिका अखबार से हूँ जी, जी, रिपोर्टर हूँ मैं जी। तो H1N1 लिखना ठीक है क्या अखबार में? अगर वायरस बदल गया है तो हम H1N1 क्यों लिख रहे हैं? अभी तो फिलहाल हमारे यहाँ, हमारे प्रदेश में जो डिटेक्ट हुआ है वो H1N1 ही डिटेक्ट हुआ, इसलिए हम H1N1 लिखते हैं। तो लिखते रहें जी बिल्कुल, जब तक हम दूसरा वायरस डिटेक्ट करके हम उसको उसका प्रमाण नहीं दे सकते तब तक हम दूसरे वायरस का नाम नहीं लिख सकते हैं। पर विश्व में बाकी जगहों H3N2 जो अमेरिका में ज्यादा पाया जा रहा है इस सीजन में, इसलिए डॉक्टर साहब ने उसका नाम लिया था, और वो धीरे धीरे हमारे यहाँ भी आ जाएगा। दूसरी बात, आपका जो मरीज है, जो पड़ोसी है, उसको कहाँ से आ गया? उसको कहीं और से इन्फेक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक मरीज घर के अंदर। वो सवाल ये पैदा करता है, एक मास्क पहन के रहना चाहिए? हर किसी को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। देखिए पब्लिक प्लेसेस में जो कॉन्टेक्ट आते हैं सतह, इसीलिए बोला गया है कि हैंड हाइजीन ज्यादा जरूरी है, और जहां डायरेक्टली आप जिसको मालूम है कि इन्फेक्शन है उससे 3 फुट से कम डिस्टेंस में आप कॉन्टेक्ट में आ रहे, या तो वो जो केयर प्रोवाइडर है या अनजाने में आ पाए तो उनको हो सकता है। कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर 3-4 मंथ है उसको चढ़े हुए तो वो भी वैक्सीन ले सकती है अभी? जी ले। थैंक यू। अभिषेक आपका जो प्रश्न है ये मास्क के बारे में, एक्चुअली ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है कि फेस मास्क कब पहनना चाहिए। एक्चुअली 3 तरह के मास्क जैसे डॉक्टर नवीन ने बताया, एक तो कपड़े का साधारण मास्क, और दूसरा सर्जिकल मास्क जो आप देखते हैं हल्के ग्रीन रंग का जो पहन के आज डॉक्टर्स बैठे रहते हैं क्लिनिक्स में या जो पेशेंट का केयर करते हैं। तीसरा N95 करके मास्क आता है, ये N95 मास्क होता है जिसमें कि 95% फिल्टर्ड हो जाता है, जितने भी बाहर के ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया और जो भी हैं, पार्टिकुलेट मटेरियल, वो 95% फिल्टर हो जाती है, इसलिए उसको N95 कहते हैं। ये पूरी तरह से सुरक्षित होता है, लेकिन इसको फेस पे टाइटली लगाना पड़ता है। अगर आपने लूज लगाया है तो कोई फायदा नहीं है, आपका बाहर से कीटाणु चले जाएंगे। सिमिलरली अगर फेस सर्जिकल फेस मास्क भी आपने लगाया और उसको निकाला और बाहर की तरफ से फिर टच करके उल्टा पहन लिया, तो जो आपने सावधानी रखी थी वो पूरी हो गई, मतलब कोई सावधानी नहीं रही, इन्फेक्शन आपको फिर पहुंच जाएगा। तो सही तरह से मास्क को पहनना, उसको लगाना, टाइटली लगाना, उसको बांध के रखना, और बाहर टच नहीं करना, हाथों को टच नहीं करना, हर बार उतारने के पहले उतारने के बाद हाथ को अच्छी तरह धो लेना। हमें लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है हाथ धोना। अगर आपने फेस मास्क लगा रखा है और आप हाथ ने टेबल पे टच किया और फिर आंखों पे लगा दिया तो वो सेम होगा सांस में जाने के बराबर। आपने भले ही फेस मास्क लगा रखा है, आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी लगेगा कि हमने तो मास्क लगा रखा है तो हमें तो नहीं होना है, लेकिन वो आंख के जरिए पहुंच जाएगा। हम ज़्यादातर आंख पे अपना हाथ लगा लेते हैं गलती से, तो जब भी आप फेस पे हाथ लगाने से पहले अच्छी तरह हैंड वॉश कर लें तो इससे हम बहुत हद तक बच सकते हैं, 90% बच सकते हैं स्वाइन फ्लू से। आपसे एक बात बोलने चाहता भाई, ये तो बीमारी हवा से फैलते हैं, तो आपका पड़ोसी में होगा तो आपका भी हो सकता है, इसलिए सबसे बड़ा जरूरी है जनचेतना। आप आपका पड़ोसी को समझाएगा, पड़ोसी पड़ोसी को समझाएगा, अगर सब आदमी समझेगा तभी हम लोग का सोसाइटी से बीमारी चला जा सकता है। जनचेतना ही सबसे बड़ा वैक्सीन है। तो आप अगर सोचेगा मेरा घर साफ सुथरा है, मेरा पड़ोसी का बीमारी है तो क्या है भाई, घर में बैठ रहो, तो आपका भी बीमारी पकड़ लेगा। डॉक्टर पाल ने बहुत अच्छी बात कही, बिकॉज हमें जागरूक अगर रहेंगे और अगर पॉजिटिव आ गया, हम ये तहकीकात करने की कोशिश तो करें ही कि कहाँ से आया है, पर साथ में हम प्रिकॉशन अपनी तरफ से पूरी तरह लेते रहे, तभी ज़्यादा इसका फायदा होगा। एक आपका क्वेश्चन था कि हम इसको H1N1 ही कहें, हम अभी सिर्फ H1N1 के लिए ही टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, यानी अगर दूसरा है भी तो हमें नहीं पता। बाकी वर्ल्ड वाइड ट्रेंड ये है कि H3N2 ज़्यादा है, तो अगर होगा भी तो हमें पता लगाने का साधन नहीं है अभी तो। पर मेरे ख्याल से इसको यानी H1N1 लिखना ज़्यादा ठीक नहीं है।
लेकिन अच्छी बात यह है कि क्रॉस रिएक्टिविटी होने की वजह से अगर एक इन्फेक्शन है तो दूसरे का भी हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं थोड़ी कुछ हद तक 30-40%, तो एटलीस्ट वो हमें प्रोटेक्शन तो है। अगर H1N1 का भी एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं तो भी कुछ हद तक थोड़ा वो प्रोटेक्शन उसको भी करेंगे। हाई रिस्क ग्रुप हैं तो जो हम लोग बात कर रहे थे कीमोप्रोफिलेक्सिस की, अगर आप हाई ग्रुप हैं, आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं जिसको कि इन्फ्लुएंजा है, तो फिर तो आपको लेना है उसको। लेकिन ट्रीटमेंट डोज जो होती है दिन में 2 बार होती है, यही सेम डोज आपको 10 दिन तक 1 बार लेनी है, तो वो तो आपको कीमोप्रोफिलेक्सिस अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले को वो, तो फिर तो आप कीमोप्रोफिलेक्सिस आपको लेनी लेनी है अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं। और असिस्टेंस की संभावना तो रहती है, अभी फिलहाल कम है उसकी रेजिस्टेंस की संभावना, अभी भी फिलहाल कम है, लेकिन अगर दूसरे तरह के वायरस आते हैं हो सकता है रेजिस्टेंस हो, बट अभी फिलहाल दे आर सेंसिटिव। पर सबसे महत्वपूर्ण है कि 48 घंटे के अंदर ही इलाज कर दिया जाए संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के। माय क्वेश्चन इज व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर स्कूल, इज ओनली कैंसलिंग असेंबली इज वन ऑफ द वेज दैट इज व्हाट इज टॉक्ड अबाउट, बट व्हाट आर द अदर गाइडलाइंस व्हिच द पैनल ऑफ डॉक्टर्स वुड लाइक टू एडवाइस फॉर द स्कूल्स? सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी जितने भी अब नए पेरेंट्स हैं ज़्यादातर अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो वो स्वाइन फ्लू के प्रति थोड़ा जागरूक भी हैं, वैक्सीन के बारे में भी जानते हैं, और डॉक्टर से सलाह लेके अपने जो पीडियाट्रिशियन की सलाह लेके वो वैक्सीन भी लगवा रहे हैं, तो एटलीस्ट वो थोड़े कुछ हद तक बच्चे प्रोटेक्टेड हैं। बट डिस्पाइट दैट अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको सर्दी खांसी हो रही है तो टीचर्स को चाहिए उनको स्कूल आने से रोकें कि आप जब ठीक हो जाओ तब आना। दूसरा, बाकी बच्चों में वो फैलाएं कि आप हाथ धो, हर बार हाथ धो, लगातार हाथ धो, बार बार हाथ धो, मुंह पे छूने से पहले हाथ धो, ये इतना ज्यादा उनको बैठा दें मन में कि हाथ धोने से बहुत बच सकते हैं। ना बच्चों को आप लोग टीकाकरण भी कर सकता, जो 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 गार्जियन है उसको बुला सकता, गार्जियन मीटिंग कॉल कर सकता, करके सुझाव देना या एडवाइस देना, जो वैक्सीन है पोटेंट वैक्सीन मिलता जोधपुर में उसको आप ले सकता, जो जो कर सकता कर लीजिए। आपको आप तो आप भी एक तो स्कूल में जन चेतना मीटिंग करिए, करके उसको समझाइए क्या क्या प्रिकॉशन है यार, वैक्सीन मिलता जोधपुर में मिल रहा, जलोड़ी के भी मिलता नहीं। वैक्सीन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वैक्सीन सभी ले सकते हैं, इस समय भी ले सकते हैं, लेकिन हमें सबसे ज्यादा आपको ये बताना होगा कि अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिए एक बार वैक्सीन लेने से पहले, क्योंकि वो आपको प्रोज एंड कॉन्स बता सकता है, क्योंकि कुछ लोगों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, कुछ में इंडिकेटेड है अभी नहीं है, दे आर नॉट एट सच ए रिस्क। तो अगर डॉक्टर वो बहुत अच्छी तरह आपको समझा सकते हैं, पीडियाट्रिशियन है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आते रहते हैं पेरेंट्स को, एंड उसके कॉस्ट के बारे में बता देंगे कहाँ अवेलेबल है, या मंगा के वो लगवा भी देंगे, उसके साइड इफेक्ट्स भी फॉलो कर लेंगे, क्योंकि दर्द होता है वैक्सीन लगाने पे, तो उसमें गठान पड़ना, दर्द होना, सूजन आ जाना, एक्स से एलर्जी है तो उनको रिएक्शन भी हो सकते हैं, तो और इसका असर भी 2 हफ्ते बाद आएगा, तो आप देख लो आप कहीं विजिट कर रहे हो ऐसी जगह पे जहाँ पे स्वाइन फ्लू पॉजिटिव है, 2 हफ्ते बाद जाने वाले हो तब अभी लगवा लो, पर अभी आप उस एरिया में हो तो वैक्सीन का इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब सारे विकल्प बता के तब लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंस्टेड ऑफ ये लेक्चर हमारा वैक्सीन को प्रमोट करने का नहीं है, बट वैक्सीन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल अपार्ट फ्रॉम द हैंड वॉशिंग एंड द फेस मास्क एंड द ड्रग। एसेस करने का कोई तरीका नहीं है, जब हर साल ऐसा नहीं होता है कि स्वाइन फ्लू इतना बढ़ता है, जिस साल बढ़ता है उस साल ये सब करना पड़ता है, वरना हर साल ऐसा थोड़ी होता है कि हम टैमीफ्लू लेते हैं, जिस साल आपने देखा होगा हर साल थोड़ी टैमीफ्लू की बात करते हैं हम, जिस साल एपिडेमिक बड़ा होता है, ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे होते हैं और मोर्टेलिटी भी होती है, लोग मर रहे होते हैं, तब ये सब शुरू करना पड़ता है, लेकिन उसमें ही पता लगाने का कोई तरीका नहीं है, ओवर ट्रीट करना पड़ता है,
हो सकता है जिनको हम ट्रीटमेंट दे रहे हो उनमें से आधे से ज्यादा को ना हो, लेकिन अगर ये जान बचाने का तरीका है किसी तरह लाइफ ज्यादा सेव करी जा सकती, तो इसका पता करने का कोई तरीका नहीं है। ये तरीका का इलाज मलेरिया भी में होता, गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है जो जगह में मलेरिया ज्यादा होता जो जो जिला में जो जो स्टेट में उधर में खून लेने के बाद हम लोग एक डोज मलेरिया का दवा देता, उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद हम लोग मलेरिया का ट्रीटमेंट कंप्लीट करता। तो ऐसा ही गवर्नमेंट पॉलिसी होता कुछ कुछ टाइम जो जो एपिडेमिक का टाइम हो जो जो ज्यादा बीमारी जो जो जगह में ज्यादा रहता उसके बारे में हम लोग को कुछ स्पेशल प्रोग्राम रहता है। इस साल में हम लोग को स्पेशल प्रोग्राम है, ज्यादा आदमी का मृत्यु हो रहा इसलिए हम लोग सोचा अगर कोई आदमी का दो दिन से ज्यादा सर्दी जुकाम रहे तो तुरंत एक दिन के एक दो दिन के बाद और उसका घर में किसी का बीमारी हुआ किसी का घर पड़ोसी में हुआ अगर हाई रिस्क ग्रुप में है तो उसका तुरंत टैमीफ्लू चालू करना चाहिए। नहीं सर, हमने दो चीज बताई थी आपको कि जो साउथ इंडियन स्टेट है उसमें एक्टिविटी मानसून से पहले है, यहाँ पे विंटर से पहले है, और ये जो बात है ये ऐसा ये रूल नहीं है। जैसे डॉक्टर नवी ने बताया कि कब पहले का क्या पीरियोडिसिटी है ये डिसाइड नहीं सकता है, संभावना है कि विंटर से पहले एक्टिविटी ज्यादा पाई है तो इसलिए होगी, लेकिन इट इज नॉट अ रूल कि हाँ विंटर से पहले ही लगवाना है, जब भी टीका अवेलेबल हो तो उसे लगवाना है। आपकी जानकारी के लिए जो टीका है ये जुलाई अगस्त में आता है हमारे पास इंडिया में, और कहीं वर्ल्ड ओवर जुलाई अगस्त में इसका जो नए स्ट्रेन के साथ आता है वो अगले साल जून तक इफेक्टिव रहता है। तो अभी हम टीका लगाएंगे तो हमें केवल मात्र 5 महीने का असर पता चलेगा, इसीलिए ज़्यादातर जो पीडियाट्रिशियंस हैं और जो फिजिशियन हैं हाई रिस्क पॉपुलेशन को बताते हैं कि टीका लगवा लो, उसके सारे सारे फायदे और नुकसान बता के तो टीका के लिए एडवाइस करते हैं, और एक टीका सिंगल डोज लगाना पड़ता है 6 महीने से ऊपर बच्चे को, तो उससे हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है पूरे एक साल तक, अगले साल जून तक हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो ये अगर हम पूरी तरह जानकारी डिस्कस कर लें, जरूरी नहीं किस सीजन में स्वाइन फ्लू हो जाए, जैसे अभी यूके यूएसए में मई तक खतरा है कि स्वाइन फ्लू परसिस्ट कर सकता है, पर हम लोग यहाँ ज़्यादातर क्या होता है सर्दी जैसी खत्म होती है स्वाइन फ्लू के खतरे कम हो जाते हैं, जैसे अब 15-20 दिन बाद थोड़े खतरे कम होने लगेंगे, तो इसलिए जो वैक्सीन है आप सोच समझ के लगाइए, अगर आपको लगता है कि 6 महीने हमें प्रोटेक्शन चाहिए तो आप लगवा सकते हैं, मतलब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सर मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि वैक्सीन सर देखिए वो सिंपल से इसकी प्रोटोकॉल ये है हर साल जो वैक्सीन अवेलेबल है वो आप जरूर लगवाइए, उससे क्या होता है कि आपको इम्यूनिटी आती है और आप में सीवियर बीमारी होने का खतरा खत्म हो जाता है। तो और ये है क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड वायरस है, अगर वायरस बदल भी जाता है तो जो आपने एक साल पहले वैक्सीन लगवाई थी वो आपको कुछ ना कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता जरूर देगी, तो इसलिए अभी भी इस समय ये नहीं कि वो तो बेस्ट है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन को प्रोटेक्शन मिलेगी मौसम शुरू होने से पहले, पर अगर हो गया है तो इस समय भी लगवाने से जिन लोगों को और ऊपर से उसका फिर ट्रांसमिशन जो जन पब्लिक में जो ट्रांसमिशन है वो रुकता है, जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे तो वो रुकता है, तो ये दो फायदे उसके होते हैं। एक प्रश्न आपने पूछा था कि सभी को खांसी जुकाम इस मौसम में हो जाता है तो क्या हर कोई डॉक्टर तक जाएगा उसके लिए, उसके लिए ही उन्होंने कैटेगरी बनाई थी कैटेगरी ए बी सी, हम उसके डिटेल में तो नहीं जाते पर एक साधारण सी बात है, अगर आपको खांसी जुकाम के साथ तेज बुखार आ रहा है या आपको सांस लेने में मुश्किल हो रही है या आपको लग रहा है कि जैसे इन्होंने और भी लक्षण बताए हैं ज़्यादा ज़्यादा तीव्रता है लक्षणों की तो आपको ज़रूर परामर्श ले लेना। अच्छा एक वैक्सीन के बारे में आपका जो प्रश्न था वैक्सीन लगवाना चाहिए, आपका बिल्कुल सही है कि जब सीजन स्टार्ट हो उसके पहले लगाना चाहिए, लेकिन जो वैक्सीन है ये हमारे गवर्नमेंट पॉलिसी में नहीं है, जो गवर्नमेंट लेकिन गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है अगर स्वाइन फ्लू का खतरा बहुत ज़्यादा है, ऐसे तेलंगाना में तो उन्होंने कुछ तबके में बोला है कि इनको वैक्सीन सभी को लगवा दीजिए। सभी को वैक्सीन लगाने से कई फायदे हैं, एक तो ये कि आपकी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो जो वायरस होता है ट्रांसमिशन वहाँ ब्रेक हो जाता है,
मतलब और फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पॉलिसी और बजट के अकॉर्डिंगली उनको डिसाइड करना पड़ता है। ओके, वी थैंक्स ऑल द एक्सपर्ट फॉर द पार्टिसिपेशन एंड द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। डॉक्टर भारती, इसी के साथ हम इस प्रोग्राम के अंत में हैं। मैं सभी श्रोताओं और अपने वक्ताओं का धन्यवाद करती हूं और अब आप सभी लोग चाय के लिए आमंत्रित हैं। थैंक यू।